दैट वन मोमेंट जब मेरी एंट्री होती है और फर्स्ट टाइम प्रिंस मुझे दुल्हन के गेटअप में देखता है एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. तो सुबह मैं लाइव गया हूँ, मैंने लाइव में बोला कि गाइज मैं लाइव इसलिए आया हूँ बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट स्पेस इवन नाउ टॉकिंग अबाउट विक्रम यू नो एंड मुझे बुरा लग रहा है कि उसकी फैमिली कैसी होगी. तो नीचे मैसेज आया भाई वो रोबोट था. मैंने कहा ओके बाय. जब मर्जी है चालो इसको, आप 10 रुपए दो तब भी ऐसे देखा. हाय आई एम प्रिंस नरुला एंड आई एम युविका और आज है मैं पिंकविला के साथ और बात करेंगे लव टॉकीज के बारे में. डेस्टिनड टू बी विद हिम एंड गॉड हैज प्लान्ड दिस जर्नी सो ब्यूटीफुली. नाउ आई बिलीव, कहते ना जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, एक्चुअली ये होता है. तो मेरी जोड़ी ऊपर वाले ने पहले से बना के रखी थी एंड इतने ब्यूटीफुल वे में होगा स्टोरी ये मैंने नहीं सोचा था. इट्स अमेजिंग. हम लोग एक साल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 12th अक्टूबर को. हमें एक साल लगा शादी को, हमें पता भी नहीं लगा यार हमारा एक साल हो गया. ऐसा लग रहा है अभी तो हमने शादी करी है. सीरियसली लव एट फर्स्ट साइड तो नहीं बोल सकते पर इनको जानने के बाद प्यार ऐसा हुआ कि जो छूट. आई थिंक लव एट फर्स्ट साइड नहीं होता, लाइकिंग एट फर्स्ट साइड होता है. लाइकिंग के बाद लव होता है. ये लाइकिंग या फॉर श्योर या बहुत कम लोग होते हैं जिनका लव एट फर्स्ट साइड चल जाता है यू नो, क्योंकि आज के टाइम में उसमें पता नहीं लगता कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है. बट यस मैंने इनको पहले उसमें पसंद कर लिया था पर प्यार नहीं हुआ था. पर जैसे इनको जाना और जाना तो मुझे उनसे प्यार हुआ. आई डोंट थिंक सो. आपको किसी को देखते ही प्यार हो जाता है, देखते आप पसंद करते हो किसी को और वो पसंद जब और गहरी हो जाती है तो उसको प्यार बोलते हैं. ऑनेस्टली एवरी डे देयर इज अ मोमेंट व्हेन आई एम नॉट रियलाइजिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स. मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. कई बार आप रिश्ते में आने के बाद जब साथ में रहते हो तो छोटी छोटी चीज़ें करना भूल जाते हो, एक दूसरे का ध्यान. जैसे मैं कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती तो ही मेक श्योर कि मेरा मूड अच्छे से रहे. 99% या 100% नॉट 99% ऑल गोज टू यू. कई बार आप थक जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो तो हाउ ब्यूटिफुली ही मैनेजेस. सो देन मेरा मुझे और प्यार आता है. आई डोंट एक्सप्रेस दैट टाइम क्योंकि उस वो मेरा मूड होता है. जब लेटर ऑन मैं सोने जाती हूँ ना देन आई रियलाइज हाउ स्वीट. ये चीज़ भी हमारी शादी के बाद हुई है क्योंकि शादी से पहले हम दोनों बहुत गर्म हैं, दिमाग के हैं ना. अगर ये लड़ती है तो मैं भी उतना ही लड़ता हूँ. वैसे हम लड़ते नहीं हैं पर अगर हम लड़े तो हम इक्वल हैं. ठीक है, हमारी हमारा फायर एकदम से इक्वल है. बट जब शादी के बाद यू नो चीज़ें जब हम फेरे लेते हैं तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं ना. तब लगता है कि अब ये मेरे पास आ गई, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तब लगता है कि यार एक को तो थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा है ना रिश्ते को संभालने के लिए. तो अभी जब नचपली में भी हम आए 4 महीने से, पिछले 3 महीने से, तो हमेशा जब भी छिड़छिड़ी होती है तो आई नो कि कैसे हैंडल करना है. तो उस टाइम मैं थोड़ा चुप रहकर आराम से संभालता हूं इसको. एंड आई नो व्हेन ही इज गेटिंग एंग्री देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड बी क्वाइट. आई थिंक हमारे दोनों का ये आंसर सिमिलर होगा, शायद तरीका अलग अलग होगा. पर मुझे लगता है कि यूवी एनिमल्स का एनजीओ खोलेगी कि जितने भी जानवर है जिनको चोट लगती है क्योंकि ये जानवरों से बहुत प्यार करती है. सो क्योंकि हमारी कई बार बात भी हुई है इसको लेकर. या एक्चुअली सिमिलर इन डिफरेंट वेज. एंड प्रिंस का ये $1 million का ये जिन जिन लोगों की मदद कर सके उन लोगों की मदद करेगा सबसे पहले. कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों चोर हैं, खा लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं दोनों पकड़ के पीटो. वो शिट यार, कीटो पीटो हम पहले करते हैं तो तब भी हम चीटो करते हैं. हमारी चीटिंग तो नॉन स्टॉप चलती है खाने में. देखो पंजाबी हूँ भाई, खाने से प्यार है हमें. मैं कभी नहीं, वो कोई नहीं बदल सकता हमारा. आई यूज्ड टू से नो, अंदर से कितना हाँ हो रहा हो, अब पहले खाओ उसके बाद पछताओ. बेबी मुझे ना बहुत पेन है. दरवाजा खोल दो. बेबी बहुत पेन है मुझे. चाय ला दो. बेड में पड़े रहना, फोन में लगे रहना. मेरे ना डांस करके मैं सच में बहुत थक गई हूँ. बहुत प्यारे तरीके से होती है. अगर मुझे यहाँ पीने बोलेगा बेबी मेरा सर दर्द हो रहा है, अगर इसका सर मैं बोलूंगी बेबी मेरे पैरों में दर्द है, मुझे भी दर्द हो रहा है, तो हमारा दर्द साथ में होता है. नथिंग, ही विल जस्ट टेक मी टू द एयरपोर्ट एंड सीधा इमीडिएटली आउट ऑफ इंडिया. इसका भी यही है, इसको दो जगह या न्यूयॉर्क या लंदन. या तो हम कुछ नहीं है, हम एक्सट्रीम है. सो हमारा प्लान ऐसा बनता है, 2 दिन पहले प्लान बना कि बीबी कल का तो अच्छा से कल मैं टिकट कराता हूं, कल टिकट कराएंगे और निकल जाएंगे. सडनली सडन प्लान, मतलब कल नहीं टिकट सडनली होती है. और जल्दी जल्दी में कितनी बार तो ये हुआ है कि आपने टिकट आने की करा ली. आने की करा ली मतलब जाने के टाइम पे आने की कराई है. गेटिंग रेडी. वो क्यों? क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ये सिर्फ हल्का सा इसको मेरे को पसंद भी नहीं है. ये तो नचपुल भी मेकअप भी नहीं करती. कभी भी आप देखोगे तो सिर्फ इसका वो क्या कहते हैं उसको कॉम्पैक्ट लगा कर आती है हमेशा. और अभी भी देख लो भगवान की दया से इसकी स्किन अच्छी है. अब हमारे जैसे बुत हो तो हमें तो मेकअप ही करा लो, परफ्यूम से सार लेंगे हम. पर मैं मेकअप नहीं करता. सो यस
lazy bum. तू मेरी जिंदगी देख लो, मेरे पास नए कपड़े कबोर्ड में पड़े रह जाते हैं और खराब हो जाते हैं मेरी. ये ट्राउजर और ये नीच टी-शर्ट्स में देखोगे आप मुझे. शावर विद फोन और म्यूजिक कुर्बा हुआ. पांच साल पहले कौन सी मूवी रिलीज हुई थी देखो. बिग बॉस रिलीज हुआ था, मुझे उसके बाद नहीं पता. हमारी तो वही फिल्म थी. हाँ मुझे नहीं याद. नहीं याद. फोन के ऊपर, फोन पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ भी नहीं होगा तब भी स्क्रॉल करते रहेंगे हम ऐसे रात को बैठे. फिर मैं अपने एमटीवी के शोज के चला लूंगा तो वो देखते रहेंगे. पहले इसको पसंद नहीं होते, अब ये भी मतलब कुछ भी देख रहे हैं. मैंने शो चला लिया तो आंखें इसकी ऐसे से ऐसे हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे और पास आ जाएगी. जब तक मैं नहीं सोऊंगा भी देखती रहेगी. और पास ही आऊंगी. नाउ ही रियलाइज कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है. सडनली ही ओपन हिज आर्म्स. आजा देख ले. चार बज जाएंगे, पांच छह, जैसे लगता है कि बाहर अब तो रोशनी होगी बेबी, सोने का टाइम है. चल रिहर्सल है. साइड में जोर जोर से आवाज चला के कोई म्यूजिक या कुछ भी शो देख रहा है या कोई सीरीज देख रहा है बेड में, आप सो पाओगे. Better you take interest, don't fight. अभी चंद्रयान 2 हुआ था, so हम मैं उसकी न्यूज़ नहीं देख पा रहा था बिकॉज मैं नचपली में इतना बिजी था, you know? So जैसे मंगल में हमारे लोग गए थे तो उस स्पेसशिप में लाइक लोग बैठे गए थे, है ना, सब कुछ करने के लिए. So न्यूज़ में चल रहा था कि विक्रम पहुंचने वाला है. विक्रम, आई थॉट कोई इंसान है, कुछ लोग न्यूज़ देख, कोई इंसान है. और जनरली मैं बताता हूँ, रिहर्सल के बाद मैं भी बहुत यू नो वहाँ पहुंचा हूँ तो 5 मिनट पहुंचने वाला है, 10 मिनट पहुंचने वाला. हम इंडियन है यार, हम भावुक है. हम अब उतरने वाला है, वो उतरने के बाद पूजा करेगा अपनी, 4 घंटे अपनी सेहत को चेक करेगा. सो आई थॉट कि यार बड़ा प्राउड मोमेंट यू नो कि कोई यहाँ से गया और ऊपर गया. तो एंड जब वो सडन कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो नहीं आ रहा था तो हम दोनों गम में, हमारा पूरी टीम भी गम में, हमारी टीम भी पूरी ऐसी. जो जो हम न्यूज सुन रहे हैं हमें उसी का पता है. तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर रोबोट है. ठीक है, तो सुबह मैं लाइव गया हूँ. मैंने लाइव में बोला कि गाइज मैं लाइव इसलिए आया हूँ बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसशिप, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम, यू नो. एंड मुझे बुरा लग रहा है कि उसकी फैमिली कैसी होगी. तो नीचे मैसेज आया, भाई वो रोबोट था. मैंने कहा ओके बाय बाय. इससे बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता. Then we realize कि हम इतना busy हो गए, हमें ये भी नहीं पता. Shit. और कुछ time पहले we were talking about चंद्रयान. तो मैंने बोला, guys मैं इसलिए live आया था क्योंकि कल हमें vote करना है अपने, और please vote करना मत भूलना. Bye. So yeah, shit. But Dutch Berlin हमारी क्या बजा रखी है? Of course. भी मैं इन 5 साल में मैंने अभी तक प्रिंस को खाना टाइम पे खाते हुए नहीं देखा है. Since the day I met him. खाना प्रिंस के लिए वेट करता है, जैसे सब लोग वेट करते हैं ना. इस काम में, इस प्रोफेशन में आके मेरे लिए हुआ, क्योंकि मेरे लिए वर्क इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि मैं इफ आई एम शूटिंग, मेरे को अपना 1000% देना है. तो मेरे को ना वो खाना पे ध्यान नहीं रहता. मेरा होता कि मेरा एक बार काम हो जाए उसके बाद करेंगे. तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए गलत बात भी है कि मैं जिसके लिए कमा रहा हूँ और वो ही नहीं टाइम पे ले पाता. बट ये आदत पड़ गई है. दैट इज द थिंग आई रियली स्कोल्ड हिम दैट कि इतना बॉडी को मत स्ट्रेन करो. किसके लिए जी रहे हो? फॉर योर ओन बॉडी. Let me think. इनके ड्राइविंग कार की, क्योंकि कार में कोई नहीं बैठता ना, मैं जब ये चलाती है ना, इनके डैड ना इनका भाई, क्योंकि ना कोई स्पीड ब्रेकर देखते. मैं खुद तो बैठती हूँ, मैं खुद चलाती हूँ. कोई स्पीड ब्रेकर नहीं देखते. अगर तुम इसके पीछे गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हें दिखेंगे नहीं 5 मिनट के बाद कहाँ पर है. ये स्पीड ब्रेकर धड़ 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 कर कहीं भी घूम जाएगा. लाइफ में ना कभी फ्री रहना चाहिए. फ्री हमेशा सोच के क्यों चलाओ गाड़ी भी, काम भी. कोई कहता ना कि यार गाड़ी उड़ाते हैं, तो उनका एग्जाम्पल ये है, तो मतलब ये गाड़ी उड़ाती है. तो मतलब अगर स्पीड ब्रेकर है बॉम्बे में तो कितने स्पीड ब्रेकर है ना, तो तुम्हारी गाड़ी इसकी रोड से इतनी ऊपर ही दिखेगी. फ्री होके लाइफ में गाड़ी चलाने से जैसे नीचे आएगी स्पीड ब्रेकर से इतनी ऊपर है. आई नेवर टच योर कार. इसलिए मेरी कार भी टच नहीं करती. अब इसके भाई भी तो कार नहीं देता. वो कह रहा मेरी कार को हाथ में लगाना, अपनी कार चला. ही डजंट गिव मी, नोबडी गिव्स मी देयर कार यार. तो मेरी एक गाड़ी है जिसको मैं उड़ाऊं, फोड़ूं, तोड़ूं, मेरा पूरा बस चलता है उसके ऊपर. पीछे करते गेट पे मार दे. गाड़ी का मेरा ब्रदर भी मुझे गाड़ी नहीं देता है. आती ना मुझे नहीं पूछेगा कैसी है, सडनली गाड़ी देखेगा चारों से. बेबी से पहले कोई गाड़ी चला कर आएगी किसी की, तो लोग पहले इसके उतरने से पहले देखेंगे कहीं से ठोकर तो नहीं है इसमें. और स्क्रैचेस ढूंढता है कि एक स्क्रैच मिल जाए उसकी गाड़ी पे. बोला था, पता था किसी को ठोक के आई है. पहले सवाल ये रहता है, नोबडी आस्क मी. फेरे जो हमने हाथ पकड़ के वो 7 फेरे लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे आई डोंट नो कि उससे पहले मैंने कभी सोचा था, बट हम जब हम फेरे ले रहे थे हम दोनों लाइक गूज बम्स होते हैं उस टाइम पे. तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज होती हैं ना कि वो फीलिंग वही समझ सकता है इसकी शादी हुई है. और उस टाइम पे जब वो फेरे ले रहा होता है वो मोमेंट इतना प्यारा बन जाता है ना, इतना प्यारा बन जाता है. और वन मोमेंट वेन वी वर मेकिंग प्रोमिसज टू ईच अदर, आई थिंक मैं हम लोग एक दूसरे में खोए हुए थे. जब पंडित जी बोलते हैं कि प्रोमिस करिए आप साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आई थिंक दैट
लुकिंग इन टू ईच अदर्स आईज वॉज मतलब दुनिया दूर थी हमसे, हम साथ में थे. एंड दैट वन मोमेंट जब मेरी एंट्री होती है और फर्स्ट टाइम प्रिंस मुझे दुल्हन के गेटअप में देखता है एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, दैट मोमेंट आई वुड नेवर फॉरगेट. मेरे मैं बहुत फैमिली मेंबर हूँ, मैं अपनी मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत क्लोज हूँ. मतलब भगवान बाद में आता है, पहले मेरे माँ बाप मेरे लिए ना. तो मैंने दो बहनों की शादी करी है, तो मैं रोया हूँ, मैंने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा है ना, जब हमारी बहनें जाती हैं, मतलब सबकी बहनें जाती हैं, विदा होती हैं. सो मोमेंट भी बहुत क्लोज होता है जब एक लड़की आती है. तो जब मैं यूवी आ रही थी तो यूवी ने कहा था मैं रोऊंगी नहीं इस बार, ताकि उनके मॉम डैड ना रोएं. सो मैं अपने मॉम डैड उनके मॉम डैड को देख रहा था कि कंट्रोल कितना कंट्रोल करेंगे, पर वो कंट्रोल नहीं हो पाता, वो आंसू आ जाते हैं. तो वो मोमेंट भी बहुत वैसी है कि तुम चाहते हो कि वो मोमेंट यू नो हमेशा के लिए तुम्हें याद रहे. मैंने अभी रिसेंटली हमने उस पर परफॉर्म भी किया, जब तक जहाँ हमें सुबह शाम है तब तक तेरे नाम तो मेरे नाम तो. आई थिंक नो वन हम असली लाइफ में भूत हैं तो क्या डरेंगे किसी से. ये नहीं, एक्चुअली दोनों आर एक्सट्रीम इमोशनल. कोई फैमिली पिक्चर आ रही होगी, फैमिली मूवी होगी, तो मैं रो पड़ूंगा, दोनों रो पड़ेंगे. ये जब मर्जी है चालो इसको, आप 10 रुपए दो तब भी ऐसे देखा. ये बहुत जल्दी, चलो एक काम करो 100 रुपए दो अभी लड़ पड़े. देखा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए दे देना, तभी बढ़ा रहा हूँ रेट भी. 1 मिलियन पे आना, मुझे ये 110 पे नहीं काम चलेगा. बोलो मैं अब तो इसको याद हो गया. स्टार्टिंग में क्या होता था जब हम रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में, तब मैं पूछता मेरा बर्थडे कब है. हाँ हाँ 28. मैं क्या 26 क्या कुछ 24. अरे उसके बाद जब बाद में याद भी हुआ 24. मैं कहा 24 रियली फील हो रहा था. अच्छा मैं अभी भी गलत बोल रही हूँ. तो अच्छा बताओ ना 20 के आसपास है ना. 24 ही है तो ठीक बोल रही है अभी. मी थोड़े बहुत है, कभी भी इतना नहीं, बस अभी इतना नहीं. बट आई वाज डैम स्केयर्ड इनिशियली कि मैं भूलूंगी. अभी तक तो सही चल रहा है, टच वुड. दोनों यार हमारा ऐसा है बहुत, क्योंकि we have no space to surprise each other. हम दोनों इतना साथ रहते हैं, हम लोग surprise के लिए you need to give that space. हमारा ऐसे होता है, सुबह ब्लैंकेट से मुंह उठा के बोलता हूँ surprise बस. मैं फिर से आखिर जेलो के लिए baby space देना पड़ता है, कहाँ है. Thank you so much guys कि आप हमें इतना प्यार करते हैं, इतना support करते हैं, and हम सिर्फ उसी के भूखे हैं. और हम आपको तब तक एंटरटेन करते रहेंगे जब तक हमारे में जान है, जब तक and, आप हमें परमिशन देंगे. एंड इफ यू हैव सम मोर फन क्वेश्चन यू कैन कम अप अगेन एंड यू कैन आस्क दिस पिंकविला कि आई प्रॉमिस कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आना तो हम और फन. एंड आई प्रॉमिस कि हम दोनों इतना हार्ड वर्क करेंगे कि चौथी ट्रॉफी भी हमारे फैमिली में आए और हम उतना डांस कर पाए. और थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू पिंकविला. एंड अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो, लव टॉकीज अच्छी लगी हो, तो फिर आप पिंकविला के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें. एंड वी विल कम नेक्स्ट टाइम अगेन विद पिंकविला.